आज हमने बनाया है टमाटर की चटनी मीठी वाली। आप सर्दियों के मौसम में गुड़ की चटनी बना करके खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कैसा सामग्री लगा। 400 ग्राम के करीब आप लाल लाल पका हुआ टमाटर ले लें, 1 इंची अदरक का टुकड़ा ले लें, जीरा आधा चम्मच, नमक 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा धनिया की पत्ती और 300 ग्राम के करीब हमने गुड़ ले लिया है, 2 तेज़पत्ता ले लें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सभी टमाटर को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लें। मैंने छोटा वाला जार में पीसा है, आप चाहे तो बड़ा वाला जार में एक बार में पीस सकते हैं। उसमें अदरक को भी काट करके डाल दें। मैंने गैस पर एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है, ज़्यादा चटनी नहीं था इसलिए छोटा सा ही मैं बनाया है। उसमें तेल डाल दें, जब गर्म हो जाए तो 2 तेज़पत्ता डाल दें, उसके बाद जीरा डाल दें, जब वो चटक जाए तो हमने जो टमाटर और अदरक का प्यूरी बना करके रखा था वो डाल दें। हमने पीस करके इसलिए बनाया है कि ये झटपट में बन करके तैयार होता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है। इसमें मिर्ची का पाउडर और नमक डाल दें, मिर्ची का पाउडर कम या ज़्यादा अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। डालने के बाद 2 मिनट तक इसको अच्छे से चला लें। आप सर्दियों के मौसम में इस तरह से चटनी बना करके खाएंगे तो झटपट में 10 मिनट में बन करके ये तैयार हो जाता है। इसको ढक करके 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लें। ये देखिए 2 मिनट तक हो चुका है, इसको चला दें। चलाने के बाद हमने जो गुड़ था, गुड़ का छोटा छोटा पीस काट लिया है, आप चाहे तो ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसमें डालने के बाद सभी को अच्छे से मिला दें, वो 5 मिनट में अच्छे से पूरा एकदम गुड़ पूरा पिघल जाता है। जैगरी को डालने के बाद 5 मिनट तक ढक करके इसको कुक कर लें। ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, एकदम पूरा गुड़ अच्छे से एकदम घुल चुका है। चटनी देखिए एकदम परफेक्ट बन करके तैयार है, हल्का सा थोड़ा सा पतला लग रहा है। इसको 2 मिनट तक और मीडियम फ्लेम में चला लें। जब भी टमाटर की चटनी बनाएं तो हाई फ्लेम में बिल्कुल ना बनाएं, मीडियम फ्लेम में ही बनाएं, बहुत ही अच्छा टेस्टी चटनी बन करके तैयार होता है। देखिए 2 मिनट तक हो चुका है। ऐसे भी आप जब गैस बंद करेंगे तो ये 5 मिनट के बाद ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। 2 मिनट हो चुका है, अब गैस को हम बंद कर देंगे। इसमें हम तड़का लगाएंगे, तड़का ऑप्शनल है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। मैंने एक कलछुल चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। तेल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा सौंफ हमने डाला है, थोड़ा सा काजू डाला है। डालने के बाद ये हल्का गुलाबी हो जाए, इसको हल्का से चम्मच से इसको चला दें। आप ध्यान रखिए कि तड़का जले नहीं, बिना तड़का का भी ये चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा तड़का इसमें लगाया ताकि और इसमें अच्छा फ्लेवर आए। सभी को चटनी को देखिए हमने निकाल लिया। निकालने के बाद ऊपर से तड़का वाला जो मसाला था वो हम इसमें डाल देंगे। डाल करके बाद में आप चम्मच से इसको मिला लीजिएगा। आप इसको रोटी, चावल, नान, पराठा जिसके भी साथ में हो उसके साथ में आप खा सकते हैं। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।